नॉर्मल। ओ भाई तीन तो देखो आधी सीट पे ही आ गए यार। एक सवारी तो बड़े आराम से आएगी और पतली पतली हो तो दो पांच हो जाएंगे। सही बोल रहा था भाई, पर 12 सवारी आती है। इसको तुम गाड़ी बोलोगे जहाज बोलोगे? इसको बोलेंगे हर बाप का एक बाप होता है जिसे सब दादाजी कहते हैं, वही है। बैटरी गाड़ियों का सबका बाप है ये, दादाजी है। लो भाई नया नाम मिल गया इस गाड़ी को, दादाजी। अभी हमारे दोस्तों ने इसको दादाजी बताया, इलेक्ट्रिक ऑटो का दादाजी है। और एक चार्ज में इसका चार्जिंग का खर्चा कितना था? 50 रुपया। मजाक मत करो यार, 50 रुपये फुल चार्ज हो जाती है? कितने घंटे में हो जाती है चार्ज? 5 घंटे। 5 घंटे में? इसकी गारंटी वारंटी कुछ दी है कंपनी ने? 3 साल। किस किस चीज की? पूरी गाड़ी की है मतलब। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। एक्चुअली ये ब्लॉग नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक ऑटो का रिव्यू है जो कि आपके लिए मैंने बनाया है। काफ़ी दिन हो गए थे किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी का वीडियो बनाए हुए, और भाई आज किस्मत से ऐसी गाड़ी है, वो गाड़ी नहीं पूरा का पूरा जहाज है। आज से लगभग 8-10 साल पहले जब इलेक्ट्रिक ऑटो की शुरुआत हुई थी हमारे मथुरा में, तो सबसे पहले ई रिक्शे आए थे। उन ई रिक्शों की एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, उनमें धचकी बहुत लगती थी और स्पीड बहुत कम हुआ करती थी। तो लोग उनमें शुरुआत में तो शौक रहा लोगों को बैठने का कि नई चीज़ आई थी, धीरे धीरे पकने लगे क्योंकि धचकी बहुत लगती थी। फिर भाई कंपनियों ने थोड़ी सी रिसर्च की और अपने आप को थोड़ा बेहतर किया, उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाथ डाला इस काम में। तो हमारी महिंद्रा ट्रियो, बजाज, TVS ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने ऑटो बनाए जो कि थोड़े से अच्छे साइज में आने लगे। जैसे कि ये मेरी महिंद्रा ट्रियो है, इसको भी मैं 27 महीनों से चला रहा हूँ। और भाई आज जिस गाड़ी का आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो कोई ई रिक्शा नहीं है, पूरा का पूरा जहाज है। देखो दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये है ठकराल कंपनी का, सामने आपको बैचिंग दिख जाएगी। ये देखो लिखा हुआ है ठकराल, और भाई ये इलेक्ट्रिक ऑटो नहीं है, पूरा का पूरा जहाज है। मेरी गाड़ी को देखो, ये वाली है, इसमें 3+1 में पास आती है, और हम इसको एक सीट बढ़वा के इस गाड़ी को 7 सीटर बना लेते हैं, 6 पीछे और 1 आगे। अब इस गाड़ी को देखो आप एक बार, इस गाड़ी में 3 सवारियां आगे आ सकती हैं, 1, 2, 3, ड्राइवर के साथ 2 लोग। मिनिमम करेंगे 4 सवारियां इस सीट पे, 4 सवारियां इस सीट पे, तो 2 और 4, 4, 8, मतलब 10 हो गई। और भाई एक सीट पीछे 10 और 4, 14 सवारियां बड़े आराम से आती है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा था कि जहाज है पूरा का पूरा ठकराल कंपनी का। भाई ये देखो इसकी बैचिंग आपको दिखाता हूँ, ये वाली लगी हुई है यहाँ पे, ठकराल लिखा हुआ दिख गया होगा। तो इस गाड़ी के जो ओनर हैं उन भाई साहब से थोड़ी सी बात करते हैं। ये रहे भाई साहब, राधे राधे भैया, क्या नाम है भैया आपका? अजय नाम है। तो भाई साहब कितने दिन हो गए आपको इस गाड़ी को लिए हुए? 1.5 महीना हुआ है। तो ये गाड़ी एक चार्ज में कितना चलती है? 180 किलोमीटर। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितनी सवारी आ जाती है इसमें? 18। कितनी? 18। 18 सवारी आ जाती है इसमें? ओ भाई 18 आती है? वैसे मजाक में कह रहे हो? नहीं हकीकत आ रही है। आ जाती है 5 उसमें 4 पीछे 3 आगे। 5 आती है सीट पे? हाँ जी। ओ तेरी, मैं तो 4 बता रहा था भाई, ये 5 बता रहे हैं भाई साहब। और भाई इस गाड़ी में देखो टायर भी MRF कंपनी के, कौन से हैं? गुडियर के हैं। टायर भी काफ़ी हैवी साइज में है। शॉक और सस्पेंशन कैसा है भैया? जो प्रॉपर ऑटो में सस्पेंशन आता है, 2 है इसमें? 2 है। शॉकर का डबल सेट है भाई, ये देखो दोनों साइड में शॉकर हैं। तो और पीछे भी शॉकर है इसमें? पीछे भी दिखा देते हैं, ये देखो भाई पीछे शॉकर कमानी दोनों का सेट है इसमें। भाई ये गाड़ी है क्या है भाई, इसकी ब्रेकिंग भी चेक कर लो, पावर ब्रेक है वही जो हमारी गाड़ी में आती है। देखो इसका सिलेंडर कुछ अलग तरीके से लगाया गया है, इधर को है अंदर, हमारा यही सामने लगा रहता है। तो ब्रेकिंग भी अच्छी होगी जब सिलेंडर किट है तो। सामने इसका मीटर है, भाई ने कुछ एक्स्ट्रा कर रखे हैं लगा लगू के, इसलिए दिख नहीं रहा ठीक से। हाँ ये देखो हमारा दोस्त है अफसर, ये भी बता रहा गाड़ी बहुत जोर की है। अरे भाई साहब इधर आ जाओ यार तुम, ये बताओ कितनी टॉप स्पीड है इसकी? 55 तक चली जाती है पूरी सवारियां बैठा के खाली में? पूरी सवारियां बैठा के। और एक चार्ज में इसका चार्जिंग का खर्चा कितना था? 50 रुपये। मजाक मत करो यार, 50 रुपये फुल चार्ज हो जाती है? कितने घंटे में हो जाती है चार्ज? 5 घंटे में। वो इसकी गारंटी वारंटी कुछ दी है कंपनी ने? 3 साल। किस किस चीज की? पूरी गाड़ी की है मतलब। बैटरी, कंट्रोलर, मोटर। मोटर की पता है कितने किलोवाट की है इसकी?
ये उसमें लिखा हुआ नीचे साथ ही। अरे यार नीचे तो घुस भी नहीं पाएंगे, तुम्हें पता नहीं है। और कितने की पड़ रही है गाड़ी ऑन रोड? ऑन रोड पड़ रही 6 लाख। कैश में या फाइनेंस पे? फाइनेंस पे। फाइनेंस में 6 की है। हाँ। और कैश में कितने की है? 4.5। 4.5 लाख रुपए की। यहाँ से लेके यहाँ तक के बैठे देखो भाई, ओ बैठ के देखिए भाई, अभी चलो नहीं बैठिए, 8 बैठेंगे। देख तो सही एक सीट पे कितने आ रहे हैं? अरे 5 आगे दी भाई साहब, 5 बता रहे हैं इसमें। तू भी बैठी भैया, मोटे मोटे 4 तो नॉर्मल है, मोटे मोटे 4 तो नॉर्मल। ओ भाई 3 तो देखो आधी सीट पे ही आ गए यार। एक सवारी तो बड़े आराम से आएगी, और पतली पतली हो तो 2-5 हो जाएंगे। सही बोल रहा था भाई, 12 सवारी आती है। इसको तुम गाड़ी बोलोगे जहाज बोलोगे? जहाज बोलेंगे इससे ही कहने ना, 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 टेम्पुओं में सबसे बड़ा टेम्पू आया है ना, ना, ये और जो 7 सीटर पास है, ये तो जो गैस वाला सीएनजी का आपे बनता है वो उससे भी बड़ा यार। इसको बोलेंगे हर बाप का एक बाप होता है, जिसे सब दादाजी कहते हैं, वही है। बैटरी गाड़ियों का सबका बाप है ये, दादाजी है। लो भाई नया नाम मिल गया इस गाड़ी को, दादाजी। दादाजी है ये भाई। बहुत दिन हो गए थे किसी गाड़ी का वीडियो बनाए हुए, और बनाया अभी तो क्या बनाया है, पूरा जहाज है। आई एम सॉरी, अभी हमारे दोस्तों ने इसको दादाजी बताया, इलेक्ट्रिक ऑटो का दादाजी है ये, सबका बाप। 18 सवारियां यार, वो भी इलेक्ट्रिक ऑटो। सोकर वगैरह बढ़िया काम करते हैं इसके? अच्छा, अबे एक बार देख लिया गाड़ी कहाँ है? नहीं बहुत, मैं चला कर देखा, अच्छी चलती है। 18 सवारी बता रहा, 18 आती है, 5-5-10, 2 आगे 12 और 4 पीछे। तो 16 सवारी कम पेट्रोल ले रहे हो? अबे इलेक्ट्रिक ऑटो में 16 सवारी कम है, और 16 सवारी के बावजूद भी भैया बता रहे हो 180 चल रही है। 180 चलती ब्रो? हां, 10 किलोमीटर कम होगा या स्पीड कम होगी? अच्छा, मतलब भाई भाई कुछ लोग छोटे छोटे से नहीं बड़े में काम करना चाहते हैं, तो जो बड़ा कमाना चाहते हैं तो वो बड़ा गाड़ी लेते हैं, और इससे बड़ा कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है भाई। देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, जितनी जानकारी मिल सकती थी उतनी बता दी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।